नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। इजराइल हमास जंग को आज 105 दिन पूरे हो चुके हैं। दक्षिणी गाजा में अभी भी हमास की अल कसाम ब्रिगेड इजरायली सैनिकों को कड़ी टक्कर दे रही है। हमास ने इजरायली सैनिकों के वाहनों को निशाना बनाने वाले ऑपरेशन की एक वीडियो जारी की है। ये वीडियो उस समय की है जब इजरायली सेना गाजा के अल तफा और अल दर्राज इलाके में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस वीडियो में हमास के लड़ाकों को इजराइल की पैदल सेना के साथ संघर्ष करते हुए भी दिखाया गया है। अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाकों द्वारा किए गए हमले के बाद घायल और मृतक इजरायली सैनिकों को ले जाने के लिए इजरायली सेना की एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर को जाते हुए देखा गया। देखिए ये वीडियो। हमास की अल कसाम ब्रिगेड द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में कुछ लड़ाकों को दिखाया गया है। ये लड़ाके गाजा के बाहरी इलाके में मौजूद एक सुरंग से बाहर निकलते दिखाई देते हैं। सुरंगों से बाहर निकलकर ये लड़ाके झाड़ियों में छुप जाते हैं। तभी सामने से इजरायली सेना के वाहन गाजा के अल तफा इलाके की तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं। इन सभी के हाथों में अल यासीन एंटी टैंक रॉकेट मौजूद है। ये लड़ाके रॉकेट से इन वाहनों को निशाना बनाते हैं। इसके साथ ही इजराइल के पैदल सैनिकों के साथ भी हमास के लड़ाकों की झड़प दिखाई देती है। और अंत में इजरायली सेना की एम्बुलेंस और एक हेलीकॉप्टर इजरायली सैनिकों को उठाने के लिए वहां पहुंचते दिखाई दिए। अगर आपको मेरी ये न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक कीजिए। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।